नमस्कार, यूटीवी न्यूज़ 24 की एक और नई खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गैस, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कल सुबह 4 बजे से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में, और इसी बीच बहुत बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि केएल राहुल, ये एक ऑप्शन था भारतीय टीम के पास, मगर बड़े बड़े जो दिग्गज थे क्रिकेट के, उन्होंने बताया कि भाई आप केएल राहुल पे T20 में विकेट कीपरिंग करवा लिया, अच्छी बात है, वनडे में भी करवा लिया, अच्छी बात है, मगर आप टेस्ट मैच में भी करवाओगे, तो अगर आप केएल राहुल की अच्छी बल्लेबाजी देखना चाहते हो तो इसकी जगह जो विकेट कीपरिंग जो करते हैं उनको लेके आइए, जो बल्लेबाज है केएल राहुल उसको हटाइए, उसको केवल बल्लेबाजी के लिए रखिए। और इसका ध्यान दिया विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने, और ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और साहा दोनों पर ध्यान दिया, तो ऋषभ पंत की वापसी होना लगभग तय हो गया है। साहा को बाहर बैठना पड़ सकता है और ऋषभ पंत की वापसी होगी पहले टेस्ट मैच में, जहां पर ऋषभ पंत ने दिखा दिया प्रैक्टिस मैच के दौरान, जो प्रैक्टिस मैच खेला गया, तीसरा प्रैक्टिस मैच इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में, ऋषभ पंत ने तगड़ी पारी खेल डाली और बहुत रन बना डाले और विकेट कीपरिंग भी काफ़ी अच्छी कर डाली। तो चलिए डालते हैं एक नज़र कि ऋषभ पंत की वापसी होना कैसे तय है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सेडन पार्क में तीसरा प्रैक्टिस मैच खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जहां पर तीसरे दिन भारत ने 4 विकेट गंवाने के बाद 252 रन बनाए, तो वहीं दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत के बीच 100 रन की साझेदारी हुई, जहां पर पृथ्वी शो की बात करें तो पृथ्वी शो ने भी 31 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके लगाए, तो वहीं 1 छक्का लगाया और 30 रन बना डाले, तो वहीं मयंक अग्रवाल भी कम नहीं थे। मयंक अग्रवाल ने 99 गेंदों का सामना किया और 10 चौके और 3 बड़े बड़े छक्के के साथ 81 रन बना डाले, तो वहीं सोमन गिल ने 8 रन बनाए और आउट होकर चलते बने। और अब बारी है ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत ने तो पूरा टेस्ट मैच T20 बना दिया, जैसे कि वो जाने जाते हैं T20 मैच के लिए, ऋषभ पंत T20 बना दिया पूरे टेस्ट मैच को, ओनली 65 गेंद खेली और 65 गेंद खेलने के बाद 70 रन बना डाले, यानी कि बॉल कम रन ज्यादा, और इसी बीच यहाँ पे 4 बड़े बड़े चौके लगाए, तो 4 गगनचुप्पी छक्के भी लगा दिए, जो कि बहुत बड़े बड़े छक्के थे, और ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और मेरी वापसी होना तय है। और अब बारी आई भारतीय टीम के गेंदबाजों की, तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी कयामत ढा दी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पे। सबसे पहले मोहम्मद शमी ने 10 ओवर कराने के बाद 71 रन बनाए, तो 3 विकेट चटका दिए विरोधी टीम के। और अब बारी आई जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह काफी दिन से फॉर्म में नहीं चल रहे थे, मगर जसप्रीत बुमराह दोबारा से फॉर्म में आ चुके हैं और जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर कराने के बाद न्यूजीलैंड टीम के 3 विकेट चटका दिए और ओनली 18 रन दिए, तो वहीं न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 235 रन पे ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम ने मुकाबला 28 रन से अपने नाम कर लिया। तो गाइस, कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि ऋषभ पंत की वापसी होना बिल्कुल तय हो चुका है। तो आप ऋषभ पंत की वापसी कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो, नीचे कमेंट में यस या फिर नो लिख के कमेंट कर देना। और आप ऐसी क्रिकेट वाली खबरें और देखना चाहते हो तो नीचे लाल कलर में आपको सब्सक्राइब वाली बटन नजर आ रही होगी, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल घंटी नजर आएगी, उसे दबा के ऑल पे प्रेस करना भी ना भूलें। तो फिलहाल इस खबर में इतना था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यूटीवी न्यूज़ 24।